वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज से हम अपनी नई सीरीज लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सप्लेन, जिसमें हम सिंपल टर्म्स में मार्केट की टर्मिनोलॉजी, आने वाले चेंजेस और उनके रूल्स, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करने वाले हैं चेंजेस जो सेबी मार्जिन रूल्स में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ये आपको किस तरह से अफेक्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेबी के मार्जिन रूल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसका रिटेल ट्रेडर पे और मार्केट लेवल पर क्या इम्पैक्ट होगा, इससे आपको क्या अफेक्ट होगा और आपके ट्रेड पे क्या अफेक्ट आएगा, और साथ ही साथ हमारा व्यू इस पर क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चेंज क्या हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर अब अपने सेलिंग करे हुए शेयर से आए पैसे से सेम डे पर स्टॉक नहीं बाई कर पाएगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर एक लाइन में बोलूं तो ये जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया है, तो वही चीज होने वाली है कि अगर आपने जिस दिन शेयर बेचे उसी दिन अगर आप कोई नई बाई पोजीशन लेना चाहते हो तो वो आप नहीं ले पाएंगे। उसे अगर आपको ऐसा करना है तो आपको एडिशनल मार्जिन की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज का सेटलमेंट सिस्टम T+2 सेटलमेंट होता है, यानी 2 दिन के बाद सेटलमेंट होता है। मतलब अगर आपने आज शेयर बेचे तो आपके पास पैसे 2 दिन बाद आएंगे। तो नए सर्कुलर के मुताबिक अगर आपने जिस दिन शेयर बेचा उसी दिन आपको नई पोजीशन लेनी है तो आपको एडिशनल फंड अपने ब्रोकर को देना होगा, जो कि लगभग 20-50% तक का होगा, और ऐसा नहीं करने पर आप पर शॉर्ट मार्जिन पेनल्टी लगाई जाएगी। कुल मिलाकर आपको सेम डे पोजीशन रिप्लेस करनी है तो आपको कुछ पैसा अपने बैंक में एडिशनल रखना पड़ेगा, क्योंकि सेल वाला पैसा 2 दिन बाद आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। इससे पहले क्या होता था, अगर उस पोजीशन की अगर हम बात करें तो एक ब्रोकर के अगर 10 क्लाइंट हैं और सबके पास 10-10 शेयर हैं तो वो सारे पूल होकर चले जाते हैं ब्रोकर के अकाउंट में, ब्रोकर के पूल अकाउंट में। और अगर वहां पर अगर जितनी बाई पोजीशन है, जितनी सेल पोजीशन है, उसका नेट ब्रोकर लेवल पर सब कुछ किया जाता था कि नेट जो पोजीशन होती थी वो एक्सचेंज को ब्रोकर दिया करता था। उसमें ये रिफ्लेक्ट नहीं होता था कि कितने क्लाइंट के कितने शेयर्स हैं, तो इस कारण ब्रोकर को एक एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाता था, क्योंकि सब लोग उन शेयर्स का प्लेस नहीं करते थे। इसके कारण जो भी पैसा वहां से, जितनी भी एक्स्ट्रा मार्जिन की जरूरत होती थी, तो वो दूसरों के शेयर को प्लेस करके भी वहां पर ब्रोकर कर सकता था। पर अभी हुए चेंज के हिसाब से ये सब चीजों को क्लाइंट लेवल पर कर दिया गया है, जिसमें कि अब एक मैसिव पूल नहीं बचेगा और हर क्लाइंट को अपने अकाउंट में खुद जाके अगर शेयर को प्लेस करना है या लिंक पर रखना है तो खुद के डीमैट में जाके खुद को उस चीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये चीज उसको खुद को करनी पड़ेगी। और ये चीजें सभी बोला जा रहा है कि सितंबर तक लागू की जाएगी। अब समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। तो मान लीजिए अगर आपने 50,000 रुपए का शेयर्स को ट्रांसफर किया, पर अगर आपको सारा पैसा उसी दिन मिल जाता है, अर्ली पे इन हो जाता है क्योंकि T+2 सेटलमेंट होता है, पर उसी दिन अगर आपको एक्सचेंज ने अगर पैसा दे दिया तो आप उस पैसे का यूटिलाइज करके नए शेयर खरीद सकते हैं। पर अगर ऐसा नहीं होता है, T+2 सेटलमेंट होता है, तो आपको एडिशनल अपने बैंक अकाउंट में रफली 20%, मतलब आपको 10,000 रुपए रखने होंगे, ताकि आप अगर आपको वो 50,000 रुपए अगर वापस यूज करने हैं तो आपको 10,000 रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए, तभी आप उस दिन 50,000 के वापस शेयर खरीद सकते हैं। माना कि अगर आपने बजाज फाइनेंस खरीदा हुआ है 50,000 का और आपने आज उसे बेचा, तो आपको अगर रिलायंस खरीदना है 50,000 का तो आपको 10,000 रुपए एडिशनल आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए, या फिर आपको अपनी दूसरी होल्डिंग को प्लेस करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करने पर आपको शॉर्ट मार्जिन पेनल्टी लगाई जाएगी। वो अगर उसमें अगर ब्रोकर ने उसे कलेक्ट नहीं किया तो ऐसा माना जाएगा कि अब ब्रोकर को इसका पेमेंट करना पड़ेगा और वो ब्रोकर आपसे चार्ज नहीं कर सकता। अब इसका इम्पैक्ट समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट आप पर कैसे होगा। इफ यू ओन वन स्टॉक एंड वुड लाइक टू रिप्लेस इट विद अनदर, इट्स गोइंग टू टेक यू 2 डेज टू डू द रिप्लेसमेंट। अगर आपको आपके पास एक स्टॉक है, अगर आपके पास एक स्टॉक है और आपको उसको रिप्लेस करना है, तो आपको 2 दिन फिर वेट करना पड़ेगा। आपको बजाज फाइनेंस के बजाय अगर रिलायंस लेना है तो आपको बजाज फाइनेंस बेचने के 2 दिन तक वेट करना पड़ेगा, तब आपका पेन रिफ्लेक्ट होगा आपके बैंक अकाउंट में और फिर आप उसको यूज कर सकते हैं रिलायंस को खरीदने में। तो इसके कारण नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज जो इस पर बेस होती है कि रिप्लेसमेंट हो जाए, तो जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है मोमेंटम स्ट्रेटेजी का, जिसमें हम काफी ज्यादा लेवल पर बाई सेल करते हैं, तो वो उस पर एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपके पास एडिशनल फंडिंग होगी तभी आप ऐसा कुछ कर पाएंगे। समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपने फ्यूचर ऑप्शन में भी अगर पोजीशन ले रखी होती है, तो अगर आपने
अगर कुछ ज्यादा मार्जिन की जरूरत पड़ती है उसमें, अगर आपको कुछ लॉस होने वाला होता है या कुछ और चीज होती है तो आपको मार्जिन की जरूरत पड़ती है। और अगर आपके पास पैसा नहीं होता है कैश में, तो आप क्या करते हैं, कुछ पोजिशन को बेच देते हैं अपने कैश में, और उससे जो मार्जिन आपको मिलता है उसको आप यूज कर लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में बाई सेल करने के लिए। पर ये चीज इस सर्कुलर के बाद पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि पैसा 2 दिन बाद रिफ्लेक्ट होगा और ये आपको केवल अब कैश में ही संभव हो पाएगा। अगर आपके अकाउंट में कैश नहीं होगा तो आपको इसमें पेनल्टी का भरना पड़ेगा। अब समझते हैं कि आपको क्या इससे समझना चाहिए। तो हमारा सजेशन ये है कि अगर आप केवल स्टॉक में ही काम करते हैं तो आपको हमेशा थोड़ा स्पेयर कैश आपके बैंक अकाउंट में, चाहे तो सेविंग बैंक अकाउंट में चाहे ब्रोकर के अकाउंट में, आपको थोड़ा रखना पड़ेगा। और आपको जब भी आप सेल बाई करें तो आपको वो पैसे का, अगर आपने दूसरी लार्ज पोजीशन ले रखी तो आप उससे वहां से प्लेस ले सकते हैं, पर अगर नहीं होती तो आपको बैंक में अपना पैसा थोड़ा रखना पड़ेगा। सम ब्रोकर्स ऑल्सो, अगर उनको अपना मार्केट शेयर अगर रखना, रिटेन करना है, तो उनको इसके लिए लोन भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी के पास उस टाइम पैसा अवेलेबल हो, और उनको अपना लाइन ऑफ बिजनेस अगर चलाना है तो वो थोड़ा इसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा ले सकते हैं। अब समझते हैं कि क्या आपको आप अगर पूछेंगे कि मुझे लगता है कि ये थोड़ा टाइम ज्यादा या कितने टाइम तक रहेगा, तो इन सब जो आजकल अब हम पिछले 2-4 सालों से जो मूवमेंट देख रहे हैं कि सेबी किस तरह की सर्कुलर ला रहा है, उससे ये साफ पता चलता है कि सेबी अब इस सेटलमेंट सिस्टम को चेंज करके T+2 से T+0 पर लाने वाला है, क्योंकि बैंकिंग फैसिलिटीज भी काफी हमारी हद तक भारत की सुधर चुकी है, और NEFT और RTGS के चलते हम एक दिन में ही हमारे बैंक का पूरा सेटलमेंट सिस्टम कर सकते हैं, और 9 बजे तक, शाम रात की 9 बजे तक ही हम पूरा सिस्टम, पूरा डिलीवरी और पूरा सेटलमेंट कर सकते हैं। तो इस पूरे सिस्टम के पीछे अगर T+0 हो जाता है तो हमारे को कोई एडिशनल मार्जिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब समझते हैं कि इसका इम्पेक्ट मार्केट पे कैसा होगा। तो मार्केट, जैसा कि इंट्राडे सबसे ज्यादा किया जाता है, अगर हम एक बजाज फाइनेंस का एग्जाम्पल लें तो उसमें डिलीवरी का मात्र 9% ही होता है, इसके अलावा सब कुछ लोग इंट्राडे करते हैं। तो अगर ऐसा हुआ कि एडिशनल मार्जिन की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर इंट्राडे के वॉल्यूम्स में काफी फर्क पड़ेगा, और लोग अब इंट्राडे काफी कम कर देंगे क्योंकि एडिशनल मार्जिन की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। हाउएवर, करंट सिस्टम ऑफ चेंजिंग मार्जिन रूल्स विल हैव अ मच लोअर इम्पैक्ट। अगर जो ऐसा ट्रेडर है जो रेगुलर ट्रेड पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो उसके लिए इस पे इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर आप वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने इन्वेस्टर ग्रुप और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।